मुजफ्फरनगर के एक मकान में से 38 देसी बम मिलने से सनसनी फैल गई। ताजा मामला भोपा थाना क्षेत्र के गांव गढ़वाड़ा का है। यहां पर दो गुटों में हुए झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली तो देसी बम समेत कई अवैध हथियार बरामद किए। वहीं इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। किस मकसद से यहां पर रखे गए थे, क्या मामला था इनका, ये पूरी जांच की जा रही है। मुकदमा कायम किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी के उपरांत पता लग पाएगा कि ये कितने सारे हथियार उन्होंने किस गिरफ्तारी से। अभी ये दोनों भाई फरार हैं, इनके घर से एक महिला मिली है और अब उससे महिला से भी पूछताछ की जा रही है। कोई ऐसी संदिग्धता आपको महसूस हुई है, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में? अब चूंकि कोई चूंकि पहले भी यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं, कोई इनके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हमें अभी प्राप्त तो नहीं हुआ है, मगर छानबीन की जा रही है और इसे गहनता से जाँच की जा रही है। इंटेलिजेंस की टीम भी आ गई है और हम भी अपनी तरफ से पूरी छानबीन और पड़ताल कर रहे हैं कि ये मकसद क्या था और ये कहाँ है और किस मकसद से इतना। इनके संपर्क सूत्र से कोई जानकारी निकाली जा रही है, खंगाला जा रहा है इनके नंबर वगैरह? अभी हम किए जा रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिस किसी माध्यम से भी हम इनके बारे में कोई जानकारी मिले उनसे पूछेंगे, पकड़ेंगे और जो भी पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टा कोई जानकारी मिली उनके कहीं इधर उधर लेकिन वो किसी आतंकी संगठन से या किसी आतंकी? अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि इनका किसके साथ संबंध था और ये क्या मकसद था। क्या पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है? इनकार देखिए कुछ नहीं किया जा सकता, बहरहाल जब तक इनसे बातचीत नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुट गई है। मुजफ्फरनगर से फल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।